हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WsCube Tech YouTube चैनल। दोस्तों मेरा नाम उमर और आज के वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। टॉपिक है बेसिकली किस तरीके से हम कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स में। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरा एंड तक देखिएगा। डेफिनेटली मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से कस्टमाइजेशन ऑफ डैशबोर्ड्स काम करता है गूगल एनालिटिक्स के अंदर। और अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए इसी तरीके का यूनिक और सबसे अच्छा कंटेंट जो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हिंदी लैंग्वेज में डिलीवर करते रहें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं मैं हूँ अपने होम डैशबोर्ड के ऊपर और ये हमारा जो सबसे पहले ओपन होके आता है गूगल एनालिटिक्स का होम पेज ये है। तो चलिए एक बार हम लोग समझते हैं कि डैशबोर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। डैशबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि एक नज़र में जो डेटा आपको चाहिए वो अगर आपको दिख जाए तो आपका एनालिसिस और प्रेडिक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बल्कि ऐसा जनरली प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आप एक एक चीज़ में रिपोर्ट्स में जा रहे हैं फिर उसमें अपने काम की चीज़ ढूंढ रहे हैं। वही चीज़ अगर आपको एक एक साथ कहीं पर मिल जाए कस्टमाइज, मतलब जो डेटा आप चाहते हैं उसी को कस्टमाइज करके आप फ्रंट में ले आएँ, सबसे ऊपर ले आएँ, डैशबोर्ड पर ले आएँ, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है एनालिसिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और ईजी भी हो जाता है एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए ये तो है बेसिकली कस्टमाइज डैशबोर्ड की इंपॉर्टेंस। अब आ जाते हैं किस तरीके से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन में आपको बहुत चीज़ें दिख रही हैं। सीधे आ जाएंगे हम लोग डैशबोर्ड के ऊपर और डैशबोर्ड में हम लोग सीधे क्लिक करेंगे यहाँ पर क्रिएट के ऊपर। जैसे ही आप क्रिएट क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक ब्लैक कैनवस और एक स्टार्टर डैशबोर्ड। तो एक एक करके देखते हैं। स्टार्टर डैशबोर्ड पे अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड का नेम रखना पड़ेगा, तो यहाँ फिर से हम लोग वही अपना पुराना नेम रख देते हैं टेस्ट डैशबोर्ड 1 और इसको कर देते हैं क्रिएट डैशबोर्ड। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है एक डैशबोर्ड क्रिएट हो गया जो बेसिकली थोड़ा सा जो मैं कहूँ कि डिफ़ॉल्ट जो इनका डैशबोर्ड होता है वो डैशबोर्ड यहाँ पर आपको क्रिएट दिखता है। इसको चाहें तो आप थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं किस तरीके से इसका व्यू चाहते हैं आप। अभी ये 50-50 में है, आप चाहें तो इसके लेआउट में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो ये एक बार हम लोग करते हैं इसको जैसे 25-25 कन्वर्ट कर देते हैं, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। फाइन, सो अभी क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर अगर हम और चाहें तो यहाँ पर और विजेट्स ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर और दूसरे विजेट्स आप ऐड कर सकते हैं ताकि आपका जो ये डैशबोर्ड है ये अच्छी तरीके से कस्टमाइज हो जाए। तो एक बार जैसे कोई मेट्रिक हम लोग ले लेते हैं, स्टैंडर्ड पे नहीं जाते हैं, रियल टाइम मेट्रिक लेते हैं, न्यू विजेट हो गया और रियल टाइम में हमें क्या चाहिए ये भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, रियल टाइम एंड काउंटर और एक्टिव यूज़र्स। फाइन, और इसको कर देते हैं हम लोग सेव। सो लेट्स सी यहाँ पर कोई रिपोर्ट आती, ये हमारी एक देख रहे हैं आप एक्टिव यूज़र्स का यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स हमें बन के आ गया। इसको हम चाहें तो ऊपर नीचे कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको देखना है रियल टाइम में जो आपकी डेट जो यूज़र्स आ रहे हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर कोई यूज़र्स नहीं है इसलिए ये कुछ नहीं दिख रहा है। बाद में आप चाहें तो इनको इस पर्टिकुलर विजेट को आप रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर विजेट को। तो ये एक डैशबोर्ड है, ये एक डैशबोर्ड है जो हम लोगों ने क्रिएट किया और कहाँ से किस तरीके से क्रिएट किया, जो बेसिकली एक पहले से बना हुआ डैशबोर्ड था उसी में थोड़े बहुत हम मॉडिफिकेशन करते हैं। तो चलिए एक बार इस डैशबोर्ड को डिलीट करते हैं और कुछ नया देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो हमें दूसरे ऑप्शंस भी दिख रहे थे उसमें हमें किस तरीके की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो इस डैशबोर्ड के क्रिएट पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको दो डैशबोर्ड्स दिख रहे हैं, जो एक मैंने बताया डिफॉल्ट का था, उसके बाद एक आपको बिल्कुल ब्लैंक डैशबोर्ड मिलता है। तो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टर डैशबोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, मेरे लिए कौन सी डेटा इंपॉर्टेंट है, कौन सी मेट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, उसको वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद आप जब थोड़े से एक्सपर्ट लेवल पर आ जाएँ उसके बाद आप ब्लैंक कैनवस से खेल सकते हैं। मतलब ब्लैक कैनवस के ऊपर प्योरली आप एक फ्रेश डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं इंटरेस्टिंग, जो जो वो मैट्रिसेस जो आपके लिए काम की हो सकती है। उसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो सबसे मज़ेदार लगती है मुझे गूगल एनालिटिक्स के इस पर्टिकुलर फीचर में, वो है इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी। एक बार आ जाते हैं इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी पर, तो ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं दूसरे लोगों द्वारा, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार चलते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं गो टू गैलरी पर और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जो पॉपुलर टेम्पलेट्स है वो दिख जाएंगी और हर एक पर्टिकुलर टेम्पलेट का एक पर्पज़ है। देखिए अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉग है तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि आप उसको SEO पॉइंट ऑफ व्यू से जज करें, ठीक है। अगर आप किसी सोशल मीडिया मैट्रिसेस को ट्रैक करना चाहते हैं तो उस टाइप से आप चाहेंगे कि सोशल मीडिया से रिलेटेड डैशबोर्ड मेरे सामने पहले दिखे। तो ये बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किन किन मैट्रिसेस को हमको लेना है, किन किन मैट्रिसेस को नहीं लेना है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आप बिगनर लेवल पर हैं तो जो पहले से बना हुआ डैशबोर्ड है जो इनका बाय डिफॉल्ट आता है उसको आप पिक कर लें और उसमें थोड़े बहुत एक बार एक चेंज, फिर दो बार, अगली बार दो तीन चेंज, ऐसे करके थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपको जो ब्लैंक
कैनवस मिलता है जहाँ पर आप कंप्लीट डैशबोर्ड खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये है, और यहाँ पर आते हैं देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास। तो जैसे ये सोशल मीडिया डैशबोर्ड है और यहाँ पर SEO डैशबोर्ड है, तो एक बार इनको ओपन कर लेते हैं हम लोग सोशल मीडिया डैशबोर्ड को और साथ ही साथ SEO डैशबोर्ड को। यहाँ पर ये SEO डैशबोर्ड है तो इसको हम लोग एक बार इम्पोर्ट करते हैं। सो हेयर इट इज़ नाउ यू कैन सी कि जो ये डैशबोर्ड था उसकी अपनी विजिट्स आ गए, सारे विजिट्स आ गए, गोल कंप्लीशन बाई, विजिट्स बाई, लैंडिंग पेजेस, बाउंस रेट, बिकॉज SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बाउंस रेट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, 5+ कीवर्ड्स और मोर। सो यू कैन सी बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद भी आप चाहें तो यहाँ से विजिट्स जो हैं वो ऐड और रिमूव कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ लिमिट होती है विजिट्स की, जैसे यहाँ पर 12 है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, यू हैव रीच अ लिमिट ऑफ 12 विजिट्स फॉर दिस डैशबोर्ड। सो इस तरीके से आप जो ऑलरेडी प्री मेड टेम्पलेट्स हैं उनसे भी थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, एक बार सोशल मीडिया डैशबोर्ड को भी हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं, और इस डैशबोर्ड को कहाँ पर लेकर आना है, किस व्यू में हमें करना है, तो इसको ले लेते हैं हम लोग टेस्ट व्यू में, और इसको हम लोग क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें इस बार सोशल मीडिया से रिलेटेड मैट्रिसेस देखने को मिलेंगी। तो आपके काम की जो चीज़ें वो आप इनको उन विजिट्स को आप यहाँ पर रख सकते हैं, और बाकी विजिट्स को आप चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं। तो सोशल सोर्स वैल्यू मिल रही है, ऑन साइट सोशल एक्शंस दिख रहे हैं, ग्रेट। तो जो आप सोशल आइकन्स वगैरह लगाते हैं वो सारी चीज़ आपको दिख रही हैं। आप चाहें तो कुछ विजिट्स को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, कुछ नए विजिट्स आप चाहते हैं तो उसको वहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन की पावर आपको समझ में आ रही होगी कि जो भी आपका गोल होता है, जो आपका मेन ओरिएंटेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कस्टम डैशबोर्ड एक क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे अच्छे कस्टम डैशबोर्ड्स बनाएंगे। और अगर और इंटरेस्टिंग आपको करना है इस वीडियो को, तो बेसिकली आप क्या करें, आप कस्टम डैशबोर्ड्स बनाएं, और उनको बनाने के बाद अगर आपको उनका स्क्रीनशॉट लग रहा है तो उनका स्क्रीनशॉट कमेंट सेक्शन में सेंड करें, हम लोग इवैल्यूएट करेंगे कि किस तरीके से आपने उसको बनाया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, और इट विल बी काइंड ऑफ अ टू वे इंटरेक्शन, राइट? क्योंकि मैं जनरली जो है वो कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा रिप्लाई तो कर नहीं पाता हूँ, तो अगर आप इस तरीके की कुछ एक्टिविटी करेंगे तो मैं भी मोटिवेट हूँगा और आपको कुछ अच्छे सजेशंस दूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो आशा करता हूँ ये टास्क आप लोग करेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वास्तव में सीखना चाहते हैं कि इस तरीके से कस्टमाइजेशन डैशबोर्ड हम बनाते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वो चीज़ इंप्लीमेंट करके देखेंगे। सो थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर प्रोवाइडिंग दिस कॉन्स्टेंट सपोर्ट एंड लव। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।